ने इनमें से फिर हर एक के लिहाज से अलग अलग फजीलतों का बयान फरमाया। हजरत इमाम हसन की अलग फजीलत, इमाम हुसैन की अलग फजीलत। एक वो फजीलत है जो इज्तिमाई तौर पर दोनों भाइयों की है, ये कि आप दोनों जन्नती जवानों के सरदार हैं। ठीक है, ये एक इज्तिमाई फजीलत है, एक है अलग अलग फजीलत उसके लिहाज से भी। और फिर बाबू बकरी अली सलाम ने सैयदा फातिमतु ज़हरा सलामुल्लाहि अलैहा उनकी फजीलत को बयान करते हुए सरकार ने फरमाया कि ये मेरी साहबजादी जन्नती औरतों की सरदार है। इसलिए महबूब अली सलाम ने अपनी साहबजादी की अजमतों का बयान फरमाया। फिर हबीब करीम अली सलाम ने मौला कायनात अली मुर्तजा करमुल्ला वजू करीम उनकी फजीलत को बयान करते हुए इशारा फरमाया। सरकार ने मुसनद इमाम अहमद बिन अहमद के अंदर यह हदीस मौजूद है कि सरकार ने हजरत अली के हक में फरमाया कि ऐ अल्लाह, जिसने अली को दोस्त रखा तो अली भी उसके दोस्त हैं। जिसने अली को दोस्त रखा अली भी उसके दोस्त हैं। ऐ खुदा, जिसने इनसे दोस्ती की तो उनसे दोस्ती रख। हजरत अली मुर्तजा करमुल्लाह वजू करीम से, यानी कि जिन्होंने इनसे दोस्ती की तो उनसे दोस्ती रख, और जिसने इनसे दुश्मनी की तो उन्हें मबूज रख। अब यह हजरत अली मुर्तजा करमुल्लाह वजू करीम के लिहाज से अभी